त्रिरत्न पेरला मंडळ एक सामाजिक संस्था असून या संस्थेचे बरेचसे उपक्रम आहेत. साधारण त्रिरत्न पेरला मंडळ जास्त करून एक शौचालयावरती काम करते, त्याचबरोबर सॉलिड वेस्ट हा एक त्याचा भाग आहे. सॉलिड वेस्टमध्ये आम्ही विभागाविभागात जाऊन सोसायट्यांमध्ये जाऊन त्यांचा कचऱ्याचा विल्हेवाट कशाप्रकारे लावायचा ह्या आयडियाज ट्रेनिंग त्या त्या सोसायट्यांना त्या त्या विभागांना देत असतो. कचरा वर्गीकरणाच्या बाबतीत कचरा कसा वेगळा केला पाहिजे, सुका कचरा वेगळा केल्याने त्याचे काय फायदे होतात, ओला कचरा त्याचं आपण कंपोस्टिंग कशा पद्धतीत केला पाहिजे त्याचा ट्रेनिंग देतो. सोसायटीमध्ये जाके वहाँ का जो गीला कचरा आहे वो कंपोस्ट कैसे किया जाता है उसके लिए हमने मॉडल के तौर पे बनाया है. एक क्रशर मशीन है और एक टम्बलर है. सोसाइटी का जो गीला कचरा होता है वो पहले इसमें क्रशर किया जाता है ताकि वो उसका साइज कम होए. क्रशर करने के बाद इसमें डाला जाता है और डालने के बाद इसको एक 10 से 15 मिनट घुमाया जाता है. ऐसे बिल्कुल हमें 20 से 25 दिन करना है. 25 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. इसका जितना भी कचरा साइज के हिसाब से होता है, मतलब अगर सोसाइटी में 20 या 25 घर होते हैं तो घर में जितना कचरा उपलब्ध होता है वो साइज से ये टम्बलर बनाया जाता है. ये अभी तो फिलहाल मॉडल के तौर पे है. 20-25 दिन में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा. सिटी लेवल पे जैसे हमने मॉडल कंपोस्टिंग के लिए बनाया वैसे हर घर घर में या जो जो भी करना चाहते हैं घर में तो उसके लिए भी ऐसे हमने ट्रॉली बनाया है ताकि वो घर पर कंपोस्ट कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं. उसका हम घर जाके उनको ट्रेनिंग भी देने के लिए राजी होते हैं. किसी को अगर यहाँ पे कंपोस्टिंग करना है तो इसमें क्या नीचे पहले एक नेट आता है और नेट के अंदर हमें गन्ने का छिलता या मट्टी या गोबर हम कुछ भी डाल सकते हैं ऊपर. उसके बाद हम किचन में जो हमारे घर से निकलता है भाजी होए या अनाज होए, अनाज होगा तो उसको हम धो के डालना चाहिए. ये हर रोज़ करना है. वही प्रोसेस है हमको जो इस मशीन में 20-25 दिन लगता है इसमें खाली एक 10 दिन ज़्यादा होता है, मतलब 30 दिन में तैयार होता है. 30 दिन के बाद इसको आपको कंपोस्टिंग मिल जाएगा. बहुत ही आसान है और इसके लिए अगर किसी को आइडिया चाहिए तो हमारा त्रिरत्न प्रेरणा मंडल हरदम सदैव तैयार है. जिस तरह हमने सोसाइटी लेवल पे कंपोस्टिंग कैसे तैयार बनाया जाता है वो बताया, इंडिविजुअल लेवल पे जैसे बनाया जाता है वो भी हमने बताया, उस तरह हमने इन आसपास के एरिया के जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ पे हमने कंपोस्टिंग निर्माल्य से कैसे बनाया जाता है उसके लिए हमने कंपोस्टिंग बनाया है. आसपास के विभाग से लोग अपने अपने घर के पूजा का सामान के साथ निर्माल्य मिक्स पैमाने पर लेके आते हैं और वैसे ही वो पिट्स में डाला जाता है. फिर हमारे स्वयंसेवक वहाँ पर वो अलग अलग करके वो निर्माल्य का सिर्फ कंपोस्ट किया जाता है. माझं नाव राजू राजू शेख आहे. 6 वर्षापासून आम्ही हे प्रकल्प जाणतो, निर्माल्यापासून गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प. निर्माल्य ते जे देवघरातले फुलं निर्माल्य निघतात ते कचऱ्यामध्ये फेकून देतात, तर ते आम्ही निसर्गाचं संतुलन राखण्यासाठी जे आहे कमीत कमी म्हणून हा फुलं कचऱ्यामध्ये जातो तर कचऱ्याचं प्रमाण वाढते आहे, तर म्हणून त्या फुलांसाठी आम्ही वेगळा गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प चालू केलेला आहे. सगळं इथे स्थानिक लोक आहे, सोसायटी आहे, त्यांच्या घरातले देवळातली फुलं असतात, तर फुलं आणि टाकतात इथे. आम्ही फुलांपासून धागे प्लास्टिक वेगळं करतो आणि इथे त्याचं खत निर्माण करतो. खत निर्माण होण्यासाठी साधारणपणे 3 ते 4 महिने लागतात. मग आम्ही ते खताचे प्रदर्शनामध्ये ठेवतो, जे लोक फुलं वाहतात त्यांना आम्ही देतो त्यांच्या घरातल्या झाडांमध्ये टाकण्यासाठी खतं, आणि येतात बाहेरून लोक पण येतात मागणी करतात खताची तर त्यांना पण देतो आम्ही, आणि राहिलेलं खतं आम्ही आमच्या झाडांमध्ये कुंड्यांमध्ये टाकतो.